हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मेहता पीजी कॉलेज। हम बात कर रहे हैं आज बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के बारे में। तो सबसे पहले अपन ये देखना चाहते हैं कि बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में टोटल पेपर्स कितने होते हैं और उन पेपर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कितने कितने मार्क्स के पेपर होते हैं हमारे पास में, तो वो देखना चाह रहे हैं अपन सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखना चाह रहे हैं पेपर्स के बारे में। पेपर्स, टोटल नंबर ऑफ पेपर्स जो अपने पास में है वो है, टोटल नंबर्स ऑफ पेपर वो है तीन अपने पास में। ठीक है, तो उन्हीं तीनों पेपर्स में से जो सबसे फर्स्ट पेपर है हमारे पास में, उसका नाम है डिस्क्रीट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में विविक्त गणित, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में विविक्त गणित। तो पेपर जो फर्स्ट है हमारे पास में वो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, यानी विविक्त गणित। पेपर जो सेकंड हमारे पास में है वो है कैलकुलस का, और इस कैलकुलस के अंदर आपके पास में क्या है, दो दो पोर्शन है। इस कैलकुलस में दो पोर्शन है, जिसमें से फर्स्ट पोर्शन हमारे पास में है वो है डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस जिसको अपन बोलते हैं अवकलन गणित, जिसको अपन बोलते हैं अवकलन गणित। ठीक है, और इसी के अंदर जो सेकेंड हमारे पास में है वो है इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस जिसको अपन बोलते हैं समाकलन गणित, जिसको अपन बोलते हैं समाकलन गणित। ये हमारे पास में पेपर सेकंड है। पेपर सेकंड के अंदर एक्चुअल में दो दो पोर्शन है, एक तो है डिफरेंशियल कैलकुलस का और एक है इंटीग्रल कैलकुलस का। और पेपर नंबर जो थर्ड है हमारे पास में, इसके अंदर एक्चुअल में टोटल तीन बुक्स चलती है हमारे पास में, जिसमें से एक बुक्स जो है वो है 3D का, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, और एक हमारे पास में है जो है ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। और थर्ड जो हमारे पास में है वो है द कोनिक यानी बोलते हैं उसको अपन सांकव। ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी को अपन बोलते हैं, वो बोलते हैं इष्टतमीकरणीय इष्टतमीकरण सिद्धांत, इष्टतमीकरण सिद्धांत। और द कोनिक को बोलते हैं अपन, कोनिक सेक्शन बोल दो इसको, और इसको बोलते हैं अपन सांकव गणित। तो अपने पास में जो टोटल नंबर ऑफ पेपर्स है, वो टोटल नंबर्स ऑफ पेपर अपने पास में तीन तीन पेपर्स चलते हैं। ठीक है, 12th से जस्ट अपोजिट काम होता है यहाँ पे। 12th में अपन क्या करते थे, अपने पास में एक या दो पेपर होती थी, अपन पूरी बुक को रखते थे, अपन पूरी बुक को याद करते थे या समझते थे, जो भी करते थे आप लोग। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। कॉलेज में क्या होता है कि आपके पास में फिक्स मैटर जो होता है आपके पास में, यानी यूनिट्स में डिवाइडेशन होता है, वो भी अपन देखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये देख लो, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यानी विविक्त गणित, ये जो पेपर्स होगा आपके पास में, ये टोटल जो मार्क्स होते हैं आपके पास में, वो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं 40 मार्क्स का पेपर, ये फर्स्ट पेपर। ठीक है, सेकंड पेपर जो है कैलकुलस का, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस,
ये भी टोटल नंबर ऑफ मार्क्स तो 40 ही होते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि दो पोर्शन में डिवाइड है, ये दो पोर्शन में डिवाइड है ये, जिसमें से क्या है कि 24 मार्क्स का तो आपके पास में है डिफरेंशियल कैलकुलस और 16 मार्क्स का आपके पास में है इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। इस सवाल वाले में अपन बात करेंगे पेपर थर्ड में, तो ये भी अपने पास में टोटल नंबर ऑफ जो वो हैं मैक्सिमम मार्क्स वो है 40, 40 में से फिर से वही चीज़ है, इस 40 में से वन यूनिट में अलग अलग डिवाइडेशन लिख देता हूँ। अगर बात करोगे आप लोग वन यूनिट यानी 8 मार्क्स की, तो ये है 8 मार्क्स की द कॉनिक सेक्शन ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, इसके अंदर भी एक ही यूनिट ही है यानी 8 मार्क्स की है ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, ठीक है, और 24 मार्क्स की आपके पास में है वो है 3D का पेपर, क्लियर है। तो ये हमारे पास में टोटल नंबर्स ऑफ पेपर्स जो होते हैं हमारे पास में वो 3 पेपर्स है, लेकिन फर्स्ट पेपर में केवल एक ही बुक चलती है जो इसका नाम रहेगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ऑथर जो आप लोगों को बुक लेकर के आनी है वो बुक आप लोग लोगे, वो लोगे JPH की बुक लोगे आप लोग, जो बुक आप लोग लोगे वो बुक लोगे आप लोग JPH पब्लिशन हाउस की, यानी JPH पब्लिक हाउस की जो बुक आएगी आपके पास में, तो वो बुक आपको लेकर के आनी है। कितनी बुक्स लेकर के आनी है, तो पेपर नंबर जो फर्स्ट है इसके अंदर केवल एक ही बुक चलती है, पेपर नंबर जो सेकंड है कैलकुलस वाला इसके अंदर आपके पास में दो बुक चलती है, एक तो है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक है इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है, तो एक लेकर आओगे अवकलन गणित, एक लेकर आओगे समाकलन गणित, ये भी JPH की लेकर के आओगे। इसके अंदर टोटल 3-3 बुक चलती है, एक तो 3D के लिए अलग बुक लेनी पड़ेगी, एक ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी की अलग बुक लेनी पड़ेगी और एक द कॉनिक सेक्शन के लिए अलग से बुक लेनी पड़ेगी सांकव के लिए, ठीक है। तो टोटल 40 40 और 40, यानी टोटल नंबर जो हो गए वो तो हो गए 120 मार्क्स, मैक्सिमम जो मार्क्स हो गए आपके पास में वो हो गए 120 मार्क्स, ठीक है, और प्लस प्रैक्टिकल के जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 30 मार्क्स, ऐसे जो टोटल मिलाकर के जो मार्क्स होते हैं आपके पास में वो होते हैं 150 मार्क्स, यानी आपके पास में जो मैथमेटिक्स का जो पेपर होगा वो टोटल होगा, वो होगा 150 मार्क्स का पेपर, टोटल पेपर, ठीक है। और 150 मार्क्स में से क्या है कि 120 मार्क्स तो है थ्योरेटिकल पार्ट और जिसमें से 30 मार्क्स जो है वो होते हैं प्रैक्टिकल के मार्क्स, और प्रैक्टिकल के मार्क्स के लिए आपके पास में ये बुक जो आपके पास में है ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी की, जिसको अपन बोलते हैं इष्टतमीकरण सिद्धांत, यही है प्रैक्टिकल वाली बुक भी, यानी एक यूनिट तो इसके अंदर से 8 मार्क्स की जो थ्योरी भी आएगी और प्लस में प्रैक्टिकल और होंगे मैथमेटिक्स के अंदर। अभी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा आप लोगों को कि मैथ्स में भी प्रैक्टिकल होते हैं क्या, तो मैथ्स में भी प्रैक्टिकल होते हैं। अब मैथ्स में प्रैक्टिकल बोले होंगे कैसे, तो मैथ्स में प्रैक्टिकल मैथ्स की तरीके से होंगे। मैथ्स का तरीका क्या है, मैथ्स का तरीका ये कहता है कि कोई क्वेश्चन देगा उसको अपन सॉल्व करेंगे, ये तो तरीका है मैथ्स के अंदर, क्वेश्चन देगा क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन कैसा भी दे सकता है, क्वेश्चन हो सकता है कंप्यूटर पे दे दे, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि अलग से ही पोर्शन करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल की बात तो अपन बाद में करेंगे। तो ये अपने पास में टोटल थ्योरी के जो आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में डिटेल है, ये लिख लो आराम से लिख लो, और यही पूरे आपके जो पेपर्स हैं यही आपको लेकर के आने हैं। इन सभी पेपर्स में से जो मैं स्टार्ट करूँगा वो स्टार्ट करूँगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, यानी पेपर नंबर फर्स्ट, ये सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे, पेपर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे फिर आगे चलेंगे अपन, ठीक है। अब बता देता हूँ कि हमें करना कैसे होता है एग्ज़ाम के अंदर, बोले टोटल डिस्क्रीट मैथमेटिक्स तो इतनी मोटी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आती है, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आपको पूरी की पूरी बुक ही पढ़नी है, पूरी बुक नहीं पढ़नी है आप लोगों को, उसके अंदर भी फिक्स हो आपके पास में टॉपिक या चैप्टर, उसके बारे में और बता देता हूँ, ये ठीक है यहाँ तक पेपर्स के बारे में। बार बार परेशान मत होना कि ये करा रहा है कौन से बुक में से करा रहा है, तो पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन इसी टाइप से है। ठीक है,
तीनों पेपर का पैटर्न बताना चाह रहा हूँ कि पैटर्न कैसा आता है एग्जाम के अंदर। पहले हमें पैटर्न ही नहीं पता रहता है कि पैटर्न तो पता चले पहले कि किस टाइप से आता है। ट्वेल्थ की तरह तो होता नहीं है पेपर, एक साथ 20 या 20 या 25 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको सारे सारे क्वेश्चन करने होते हैं, और किसी किसी क्वेश्चन बीच में और दिया हुआ रहता है, उसमें से एक कर लो बाकी सारा करना होता है। इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर क्या है कि हमारे पास में यूनिट्स में डिवाइडेशन होता है, यानी अब आपके पास में यूनिट्स में बने हुए आएंगे। जैसे यूनिट नंबर फर्स्ट बना हुआ आएगा, फिर बना हुआ आएगा यूनिट नंबर सेकंड, फिर मिलेगा आपके पास में यूनिट नंबर थर्ड, फिर होगा आपके पास में वो होगा यूनिट नंबर फोर, और फिर होगा आपके पास में एंड में वो होगा यूनिट नंबर फाइव। इस टाइप से डिवाइडेशन होता है पेपर्स का, यानी पाँच यूनिट में टोटल हर पेपर, यानी तीनों के तीनों पेपर पाँच यूनिट्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। और ईच यूनिट जो है, यानी हर यूनिट वो होती है आपके पास में 8 मार्क्स के लिए, ठीक है। 8 मार्क्स के ये यूनिट, 8 मार्क्स के लिए ये यूनिट, 8 मार्क्स के लिए ये यूनिट, 8 मार्क्स के लिए ये यूनिट, और 8 मार्क्स के लिए फिर से ये यूनिट। और इस तरीके से टोटल जो होते हैं वो होते हैं आपके पास में 40 मार्क्स। अब बोलेंगे यूनिट क्या लिखा हुआ गया यहाँ पे, यूनिट का मतलब क्या है? तो यूनिट का मतलब ये है आपके पास में कि एग्ज़ाम में क्या होता है कि यूनिट में आपके पास में टोटल नंबर जो क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे ना, जैसे ऊपर दिया हुआ रहेगा यूनिट नंबर फर्स्ट, और इस यूनिट के अंदर जैसे ऐसे दिया रहेगा फर्स्ट का ए एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, फिर इसी फर्स्ट का बी दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और फिर बीच में रहेगा चॉइस यानी और करके फिर से दो क्वेश्चन आएंगे, एक सेकंड का ए आएगा और एक सेकंड का बी आएगा आपके सामने। यानी टोटल हर यूनिट में आपके पास में टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? दो क्वेश्चन तो हो गए ऊपर, और दो ही क्वेश्चन हो गए चॉइस में। यानी हर यूनिट में आपके पास में टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो आएंगे हर यूनिट में 4, जिसमें से अपने को करने हैं वो करने हैं 2 ओनली। 4 क्वेश्चन हो गए ना, 2 तो यहाँ पे रहेगा और 2 रहेगा चॉइस में, केवल मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से सेकंड में भी होगा, यही तरीका सेम टू सेम थर्ड में भी होगा, यही सेम टू सेम फोर्थ में भी, और यही सेम टू सेम फिफ्थ में भी अप्लाई होता है, ठीक है। आ जाओ इधर देखो ध्यान से कि जो फर्स्ट यूनिट जो रहेगा आपके पास में, यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर ए और बी पार्ट, या सेकेंड का ए और बी पार्ट, इनमें से हमें केवल एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एक करोगे तो 2 अपने आप हो जाएगा। जैसे मान लो कोई बोलेगा सर ये अटेम्प्ट करना चाहते हैं हम, तो ये 2 अपने आप अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर ये अटेम्प्ट करोगे तो इसके दोनों अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ये तो पता है ना कि बीच में कहीं पे दिया हुआ रहता है और का मतलब क्या हुआ, या तो ये कर लो ऊपर वाला पार्ट या फिर नीचे वाला पार्ट कर लो। सेट थ्योरी में अपन खूब पढ़ते थे ना कि बीच में यूनियन आएगा, इंटरसेक्शन आएगा, तो कब अपन और लेते थे, कब अपन एंड लेते थे, तो उसे सब पता है आप लोगों को। तो यहाँ पे और का मतलब वही है, ऊपर वाला पार्ट करोगे या फिर नीचे वाला पोर्शन करोगे आप लोग, इनमें से कोई भी एक पोर्शन करने होते हैं। फर्स्ट वाला पोर्शन करते हो मान लो तो उसके भी 2 क्वेश्चन होते हैं, यानी हर यूनिट में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, और दोनों के दोनों क्वेश्चन 4 मार्क्स और 4 मार्क्स, ऐसे नंबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी हर क्वेश्चन 4 मार्क्स के, यानी अगर अपन बात करें सीधे सीधे अपन ये बात करें तो टोटल जो क्वेश्चन आपको करने हैं पाँचों यूनिट में वो तो हमें करने हैं, टोटल अटैम्प्ट वो तो है 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। टोटल क्वेश्चन दिए हुए कितने रहेंगे? तो दिए हुए रहेंगे आपके पास में टोटल 20 क्वेश्चन। तो टोटल 20 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं, एग्जाम की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हो गया पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, और ये आपको पता चलेगा कि हमारे पास में किस तरीके से यूनिट या किस तरीके से हमारे पास में डिवाइडेशन होता है, ठीक है। अपन क्या करेंगे, एक यूनिट में जब मैं डिस्कस कर लूँगा उसके बाद में थोड़ा सा मैं पेपर के बारे में आइडिया भी दे दूँगा आप लोगों को, भाई इस तरीके से हमारे पास में क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, ठीक है। तो इसमें से सबसे फर्स्ट जो पेपर है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, वो तो अपन स्टार्ट करेंगे ही। उससे पहले ये यूनिट क्या होता है, यूनिट के अंदर कितने क्वेश्चन हमें करने हैं, कितने क्वेश्चन नहीं करने हैं। कई बार क्या करता है बच्चा कि पहले वाले का तो एक क्वेश्चन कर लेता है और दूसरे वाले का भी एक क्वेश्चन कर देता है, तो बोला भाई दोनों में एक ही तो करो, या तो ऊपर वाला करो या फिर नीचे वाला करो, करना तो एक ही है ना। तो ये दिमाग नहीं लगाना आपको कि एक तो ऊपर से कर लिया और एक नीचे वाले पार्ट से कर लिया, दोनों में से या तो दोनों पार्ट ये अटेम्प्ट करोगे या फिर दोनों के दोनों पार्ट नीचे वाला अटेम्प्ट करोगे, ठीक है।
तो इस तरीके से अपने पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो तो है 5 यूनिट, पेपर्स के जो नाम वगैरह है वो पेपर्स के नाम वगैरह आपके पास में ये है आपके सामने दिए हुए, ठीक है यहाँ तक। नंबर सिस्टम अब अपन जो करने जा रहे हैं वो सबसे पहले अपन बेस से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बेसिक चीज़ें देखते हैं कि नंबर सिस्टम क्या है, ठीक है, और नंबर सिस्टम के बाद में देन अपन स्टार्ट करेंगे पेपर्स पे फिर आएंगे। तो सबसे पहले अपन देखना चाह रहे हैं कि नंबर सिस्टम के बारे में, तो नंबर सिस्टम के अंदर सबसे जो फर्स्ट है वो है नेचुरल नंबर, यानी जिसको अपन बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। बचपन से पढ़ते आते हैं अपन कि प्राकृतिक संख्या मतलब एक से स्टार्ट कर दो और अनंत तक ले जाओ, जानते हैं अपन एक से स्टार्ट कर दो और अनंत तक ले जाओ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो नंबर सिस्टम होता है ना, जिसको अपन डिनोट जो करते हैं वो तो करते हैं एन से। नेचुरल नंबर को जो स्टार्ट करोगे वो तो वन से स्टार्ट करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, और आगे जो अपन लगा देते थे डॉट 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 लगा करके एक सेट फिर यहाँ पे बंद कर देते थे और अपन कहते थे कि ये नेचुरल नंबर है, जबकि ये नेचुरल नंबर का सेट नहीं है, ये प्राकृतिक संख्या का सेट नहीं है। अब बोलोगे यार यही तो पढ़ते थे अपन कि नेचुरल नंबर में 1, 2 से 3, 4, 5 से स्टार्ट होता है और अनंत तक चलता है, अनंत तक ये तो पढ़ते तो थे आप लोग, लेकिन अनंत तक भी चलेगा, ये इनफाइनाइट तक भी जाएगा, लेकिन इनफाइनाइट तक जाने के लिए इतने सारे डॉट का सामना नहीं करना पड़ेगा उसको, यानी इनफाइनाइट तक अगर जाएगा नहीं है तो इनफाइनाइट के लिए आपको केवल 3 ही डॉट लगाने हैं। अगर 3 डॉट लगाते हो आगे तो ही सही है, 3 डॉट हमेशा किसको बताता है, एंड सो ऑन। यानी अपन पहले क्या करते थे कि नेचुरल नंबर के अंदर आगे डॉट डॉट, किसी भी नेचुरल नंबर क्यों, होल नंबर, किसी भी नंबर में इंटीजर नंबर सब में अपन आगे दिखा देते थे डॉट 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 डॉट, जबकि ऐसा नहीं होता है, केवल आपको 3 ही डॉट लगाने हैं। 3 डॉट जो होता है हमेशा यही दिखाता है इनफाइनाइट को। अगर 3 डॉट से ज़्यादा डॉट करते हो आप लोग, 4 डॉट या 5 डॉट या 6 डॉट, तो उसके बारे में नहीं पता किसी को कि इनफाइनाइट तक जाएगा या फाइनाइट तक जाएगा, ये किसी को नहीं पता अभी तक। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें आगे केवल 3 ही डॉट लगाने हैं। अब बोलोगे सर बुक्स में भी कई डॉट लगा देते हैं, 5-7 एक साथ ही लगा देते हैं कि हाँ एंड सो ऑन डॉट 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 अनंत तक जा रहा है ये, तो बुक्स वगैरह में भी सही नहीं लिखा हुआ है, वो हमेशा 3 ही डॉट आते हैं। स्टैंडर्ड बुक जब आगे जाकर पढ़ोगे आप लोग तो हमेशा 3 ही डॉट आते हैं और वही दिखाता है एंड सो ऑन, यानी इनफाइनाइट तक जाएगा वो। तो ये होता है हमारे पास में प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, संख्याएं कर लो ज्यादा अच्छा रहेगा, नेचुरल नंबर। सेकंड अपन देख लेते हैं, वो देख लेते हैं पूर्ण संख्याएं, यानी होल नंबर। होल नंबर इसको डिनोट करते हैं अपन, वो तो डिनोट करते हैं W से, होल नंबर को अपन डिनोट करते हैं, वो डिनोट करते हैं अपन W से,
होल नंबर को ध्यान से देखते रहना, पूर्ण संख्या जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में बोलते हैं इसको पूर्ण संख्या। और ये कहाँ से स्टार्ट होती है, बोला बस नेचुरल नंबर में एक आगे जीरो और लगा दो, तो यानी यहाँ पे तो जीरो और वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन, ये होती है हमारे पास में होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। नेक्स्ट आ जाओ, ये सब हम काम मिलेंगे बीच में ध्यान रखना, तो फिर उस टाइम मत सोचना। और ट्वेल्थ एग्जाम जब आप लोग पास किए हो उसके बाद में काफ़ी टाइम हो गया, मैथमेटिक्स तो नहीं पढ़े होंगे आप लोग अभी कुछ टाइम से, तो इसलिए सब कुछ साफ हो गया होगा। इसलिए फिर से एक बार याद कर लो कि जब अपन पेपर स्टार्ट करेंगे तो बीच में डायरेक्ट में लिख दूंगा हॉल नंबर, तो फिर उस टाइम में मत माथा पकड़ के बैठ जाना कि ये क्या लिख दिया। तो इसलिए अपन पहले ही इनको देख लेते हैं, नेचुरल नंबर, हॉल नंबर, थर्ड पोर्शन वो अपन देख लेते हैं पूर्णांक संख्या है, जिसको अपन डिनोट करते हैं इंटीजर नंबर, जिसको अपन डिनोट करते हैं आई से या फिर जेड से, हिंदी में बोलते हैं इसको पूर्णांक संख्याएं। दोनों से डिनोट कर सकते हो, आई से भी कर सकते हो और जेड से भी कर सकते हो। लिखते कैसे हैं इसको, बोला जीरो तो ठीक है, जीरो के आगे बोला कि प्लस माइनस वन आएगा, प्लस माइनस टू आएगा, प्लस माइनस थ्री आएगा, और ये भी सेम टू सेम एंड सो ऑन यानी इनफाइनाइट तक चलेगा। बोला कि अपन ऐसे क्यों, बोला ऐसे भी लिख सकते थे क्या, बीच में जीरो लेकर के यहाँ पे वन टू थ्री और इधर भी लिख दे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, और लिखो ना जैसा मन कर रहा है वैसे लिखो, कौन मना करता है। प्लस माइनस वन का भी तो मतलब यही है कि प्लस वन भी है और माइनस वन भी है, प्लस माइनस टू का भी तो यही मतलब है कि प्लस टू भी है और माइनस टू भी है। बोला यही चीज़ जीरो में क्यों नहीं लगाया, बोला जीरो में कैसे लगा सकते हैं अपन, जीरो तो जीरो होता है, इसके अंदर प्लस माइनस लगाओगे तो अपने को ही लोग पागल समझेगा कि बोला प्लस माइनस क्यों लगा रहे हैं जीरो के अंदर, इसलिए जीरो के अंदर प्लस माइनस नहीं लगाते हैं अपन। तो इसको बोलते हैं अपन पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर, जिसको अपन डिनोट करते हैं वो करते हैं आई से या फिर जेड से, ठीक है। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, इसको अपन डिनोट करते हैं, वो डिनोट करते हैं क्यू से, ठीक है। फॉर्मेट क्या है परिमेय संख्या के लिए, ऊपर तक ठीक है लिख लिए नोट कर लिए, अब आ जाओ रेशनल नंबर पे, ठीक है, जिसे हम P बाय क्यू फॉर्म में लिख सके। और आगे दो कंडीशन और होती है कि Q तो होना चाहिए नॉट इक्वल टू जीरो, और P और Q दोनों के दोनों होने चाहिए, वो होने चाहिए इंटीजर नंबर, ये होता है आपके पास में रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। अब बोलोगे एक इरेशनल भी आता है, जो रेशनल नहीं हो वो इरेशनल, जो रेशनल नहीं होता है वो होता है आपके पास में इरेशनल। बोलो उसको अपन दिखाएंगे कैसे, तो बोला निरूपित करना है तब तो बोले इसको क्यू डैश से निरूपित कर दो। अगर आपको डिनोट ही करना है तो इरेशनल नंबर को अपन जो निरूपित करेंगे यानी जो डिनोट करेंगे वो करेंगे अपन क्यू डैश से, ठीक है। तो यहीं पे लिख दूं चाहे से कि जो इरेशनल, जो रेशनल नहीं होगा वो होगा इरेशनल। रेशनल क्या होता है, जिसको पी बाई क्यू फॉर्म में अपन लिख सकें, और क्यू होना चाहिए नॉट इक्वल टू जीरो, और पी और क्यू दोनों के दोनों होने चाहिए इंटीजर यानी इसमें से होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक ये होता है हमारे पास में रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर नहीं होते हैं उसे अपन इरेशनल नंबर कहते हैं, जिसको यानी अपन पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे वो हो जाता है आपके पास में इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, इरेशनल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक नेक्स्ट हमारे पास में वो है रियल नंबर, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, जिसको अपन बोलते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। अब वास्तविक संख्याएं जिसको अपन रियल नंबर बोलते हैं, अब इसको डिनोट कैसे करेंगे। बोला एक चीज़ तो अपन ये जानते थे कि रियल नंबर को अपन जिसको एक रियल लाइन पे अपन रिप्रेजेंट कर सके, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ भी जाए और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी जाए, सीधी सी बात ये तो हुई
रियल नंबर हो जिसको अपन रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर सके। बोले इसको कर सकते थे क्या? बोला बिल्कुल कर सकते थे। इसको बोला इसको भी कर सकते हैं, इसको बोला इसको भी कर सकते हैं। बोला क्यों ना अपन एक रियल नंबर का भी सेट डिफाइन करना चाहें तो रियल नंबर का सेट अपन डिफाइन कर सकते हैं, एक तो क्यू यानी रेशनल नंबर और यूनियन इरेशनल नंबर। इसके अंदर सारे के सारे नंबर अपने आप ही आ गए, रेशनल नंबर यूनियन इरेशनल नंबर, ये होता है आपका इसमें रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है यहां तक? इरेशनल तो समझ जाओगे ना, क्यू डैश से डिनोट करते हैं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्यू डैश, इरेशनल नंबर है ये, इरेशनल नंबर जिसको हम डिनोट करते हैं क्यू डैश से। इसका सेट डिफाइन कर लेते हैं अपन, एक्स बिलोंग्स टू, चलो ऊपर लिख देता हूँ। देखो इरेशनल नंबर क्या है, एक्स सच डैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, ये होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, देख लिख लो यहां तक, फिर अपन आगे चलते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि इसका एग्जांपल अपन ई और पाई, ये दोनों के दोनों होते हैं इरेशनल नंबर, लेकिन जो पाई का जो मान होता है आपके पास में 22/7। ठीक है, ये आपके पास में कौन सा नंबर होता है? रेशनल नंबर। ये तो अभी भी ऐसे मान लो कि चाहे कितने बड़े हो जाओ, कंपटीशन वगैरह में भी कई बार पूछ लेता है कि जो पाई है आपके पास में वो पाई क्या है? इरेशनल नंबर, और पाई का जो मान होता है यानी 22/7 ये होता है आपके पास में रेशनल नंबर। बोले ये कैसे हो सकता है, दोनों है तो एक ही चीज़ ना? बोले दोनों एक चीज़ नहीं है, पाई का मान अपन बिल्कुल बराबर नहीं लिखते हैं 22/7 के, लगभग बराबर लिखते हैं अपन पाई का मान कि लगभग बराबर होता है 22/7 के, जिसको अपन अगर डिवाइड डिवाइड करते थे जिसको अपन क्या लिखते थे 3.141414114 लिखते जाओ। तो ये था अपने पास में पाई का वैल्यू, ये होती है आपके पास में यानी पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पाई है वो तो है इरेशनल नंबर, ध्यान से देखना इधर, और जो आपके पास में पाई का जो मान होता है, एग्जैक्ट मान तो बोल नहीं सकते अपन, तो पाई की जो वैल्यू होती है ना वो होता है आपके पास में कौन सा नंबर? रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया आपके पास में रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। नेक्स्ट है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं अपन सम्मिश्र संख्याएं, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको डिनोट करते हैं अपन, वो करते हैं सी से, और इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं किस टाइप के होते हैं? एक्स प्लस आयटा वाई, जहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये होता है आपका इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्स प्लस आयटा वाई और एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स वाई जो होते हैं वो किस में होते हैं? आर में होते हैं, रियल नंबर में होते हैं। ठीक है, ये होता है हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर। इन सभी से एक रिलेशन भी हमें प्राप्त होता है, तो इन सभी को देखो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि सबसे पहले अपन देखे थे नेचुरल नंबर, सबसे पहले पढ़े थे नेचुरल नंबर के बाद में फिर अपन देखे थे होल नंबर, फिर अपन पढ़े थे उसके बाद में जस्ट इंटीजर नंबर यानी आई या फिर जेड,
जेड, देखते रहना ध्यान से, आई या फिर जेड, फिर क्यू रैशनल नंबर, फिर आर और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इनमें एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन इस टाइप से होता है कि सबसे पहले नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से बड़ा होता है होल नंबर, इससे भी बड़ा होता है इंटीजर नंबर, इससे भी बड़ा होता है रैशनल नंबर, इससे भी बड़ा होता है रियल नंबर, और सबसे बड़ा होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। जो सबसे बड़ा होता है वो होता है आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा होता है, या फिर इनको अपन चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं, इन सभी को अपन देखो एक डायग्राम के अकॉर्डिंग भी देखो अपन देख सकते हैं कि सबसे पहले नेचुरल नंबर, तो सबसे पहले आ गया आपके पास में नेचुरल नंबर, ठीक है। उससे जो बड़ा होता है वो होता है होल नंबर, यानी उससे बड़ा क्या आपके पास में W, ठीक है। इससे भी बड़ा क्या आपके पास में इंटीजर नंबर, तो इससे भी बड़ा आपके पास वो है इंटीजर नंबर। इससे भी बड़ा जो है वो कौन सा है रैशनल नंबर, तो इससे भी जो बड़ा है वो है आपके पास में रैशनल नंबर, ठीक है। और रैशनल नंबर से भी जो बड़ा होता है वो होता है आपके पास में कॉम्प्लेक्स, अच्छा रैशनल नंबर क्यों, सॉरी पहले, हाँ क्यू रैशनल नंबर नहीं, हाँ रैशनल नंबर यानी क्यू। इससे भी जो बड़ा होता है आपके पास में वो होता है आपके पास में रियल नंबर, और जो सबसे बड़ा होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, सबसे जो बड़ा होता है वो होता है आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना कि बीएससी के अंदर यानी तीनों ईयर में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, तीनों ईयर में, फर्स्ट ईयर में तो आप लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रैशनल नंबर ये सब तो एक साथ ही पढ़ लेंगे अपन अभी फर्स्ट ईयर में। तो इसके बाद में सेकेंड ईयर में क्या होगा कि एक रियल नंबर पे एक पर्टिकुलर एक बुक पढ़ोगे जिसका नाम होता है रियल एनालिसिस। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर में जाओगे, थर्ड ईयर में जाओगे, तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर पे एक अलग से बुक पढ़ लोगे। तो सीक्वेंस भी देखो इसका यही है, और अपन भी देखो ऐसे बटन धीरे धीरे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर। तो ये था हमारे पास है नंबर सिस्टम, याद होगा नहीं पता था तो फिर से ये देख लिए अपन, ठीक है। नंबर सिस्टम के बाद में अब अपन बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम के बाद में कि जो अब तक फॉर्मूला पढ़ रहे थे अपन, चलो उसको नेक्स्ट क्लास में अपन देखते हैं। ओके, थैंक यू।